अभी यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है, उसने करीब भारत में 10,000 उन परिवारों का सर्वे किया जिन्होंने अब टॉयलेट बनाया है और पहले की तुलना की, और उनका आकलन है कि एक परिवार में टॉयलेट न होने से स्वच्छता की जागरूकता न होने से बीमारी के पीछे सालाना 50,000 रुपया औसत खर्चा होता है। परिवार का एक मुखिया बीमार हो गया, बाकी सारे काम ठप हो जाते हैं। ज्यादा बीमार हो गया तो परिवार के और दो लोगों को इसकी सेवा में लगना पड़ता है। बीमारी से बचने के लिए किसी से साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा लाना पड़ता है। एक प्रकार से 50,000 रुपया का बोझ एक गरीब परिवार पर आ जाता है। अगर हम स्वच्छता को अपना धर्म मान ले, स्वच्छता को अपना कार्य मान ले, एक एक गरीब के परिवार में 50,000 रुपयों की और बीमारी के कारण जो मुसीबत आती है उससे हम बचा सकते हैं। उसके जेब में हम रुपये डाले या न डाले, लेकिन उसके जीवन में ये 50,000 रुपये बहुत काम आते हैं जी। और इसलिए ये जो सर्वे आते हैं, जो जानकारी आती है, इसको एक सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में हम सबने निर्वाह करना।